Hello students, this is the second part of the video of class 2 of the subject EVS, and we were talking about the chapter number 1, that is my body. हमने sense organs तक पढ़ा था और आज हमें उसके आगे पढ़ना है, लेकिन उसके पहले मैंने आप लोगों को homework दिए थे, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने वो सारे homeworks को complete किया होगा और तभी आप ये वीडियो देखने आए हैं। अगर आपने उस होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले आप वापस जाकर फर्स्ट वीडियो का होमवर्क कंप्लीट कीजिए, फिर आकर के सेकंड वीडियो को देखिए, क्योंकि वो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा आपका होमवर्क आपके कॉपी पे होना चाहिए और टीचर्स चेक करेंगे आपके होमवर्क को। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वैसे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में होते हैं और जिनको हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के वह अंग, वह पार्ट्स जिनको हम नहीं देख सकते अपनी आँखों से, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ब्रेन। हमारे पास दिमाग है लेकिन हम दिमाग को अपनी आँखों से नहीं देख पाते, तो वो क्या हो गया, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स हो गया। तो आप लोग समझ गए इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, वैसे ऑर्गन्स, वैसे हमारे शरीर के अंग जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स को। देर आर मैनी अदर पार्ट्स इन साइड आवर बॉडी, वी कैन नॉट सी देम, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। लुक एट द पिक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये क्या बोला है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। अभी क्या बोल रहा है कि बगल में जो पिक्चर दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए, और इनमें जो जो मार्क किया हुआ है, जैसे लंग है, स्टोमिक है, हार्ट है, ब्रेन है, तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमारे इम्पॉर्टेंट, हमारे महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, स्टोमिक है, दिमाग, हमारा दिल, हमारे फेफड़े और हमारा पेट, और इन सब को हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये सब हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और अब हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या था, ब्रेन। तो चलिए ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रेन इज इन साइड आवर हेड, इट इज़ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू थिंक, इट इज एक्चुअली अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। जो हमारा दिमाग है वह हमारे हेड के अंदर होता है, मतलब कि हमारा जो सर है उसके अंदर हमारा क्या होता है, दिमाग होता है, और हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, मतलब सारा काम हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। और ये हमें सोचने में भी मदद करता है, किसी चीज़ को याद रखने में भी मदद करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। और ये एक कंट्रोल सेंटर है हमारे शरीर का, एक ऐसा सेंटर, मतलब कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर हम लोग, जहाँ पे हमारे शरीर का पूरा काम देखा जाता है, वहाँ से वो हमारे पूरे शरीर को, हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ को ये कंट्रोल करता है। अगर कोई चीज़ सही से नहीं हो रहा है, जैसे हमारा दिल है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स, तो अगर वो 72 टाइम्स नहीं धड़क रहा है तो वो इसको भी देखेगा, और फिर अगर हमारा जो पैर है उसमें अगर चोट लग गया तो वो उसको पता चल जाएगा हमारे दिमाग को कि हमारे पैर में चोट लग गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से उस पर कुछ लगाएंगे, उसको ठीक करेंगे। तो हमारा जो ब्रेन है हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को, सारे काम को देखता है और उसकी देखभाल करता है। अब आगे है हार्ट। हार्ट मतलब दिल। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन साइड आवर चेस्ट, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये क्या बोला है कि जो हमारा दिल है वो हमारे चेस्ट के अंदर होता है, चेस्ट मतलब छाती, हमारे छाती के अंदर क्या होता है, हमारा दिल,
और वो दिल क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। ब्लड मतलब क्या होता है, खून। हमारे पूरे शरीर में खून को पहुंचाने का काम कौन करता है, हार्ट, हमारा दिल। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्राई इट आउट, पुट योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, यू विल फील समथिंग बीटिंग, इट इज़ योर हार्ट, इट बीट्स ऑल द टाइम, काउंट द नंबर ऑफ बीट्स इन वन मिनट। अभी क्या बोल रहा है, हमें एक एक्टिविटी करनी है जल्दी से, हमें अपने लेफ्ट साइड हमारे ऑफ योर चेस्ट मतलब हमारे अपने छाती के लेफ्ट साइड बाईं ओर अपने हाथ को रखना है, और उसके बाद आपको महसूस होगा कि आपका जो दिल है वो धड़क रहा है, और वहीं क्या है जहाँ पे भी बीटिंग धड़कने का एहसास होगा आपको, तो वहीं क्या है, हमारा दिल है। और वो क्या करता है, हमेशा वो धक धक हमेशा धड़कते रहता है। अब आपको क्या करना है, घड़ी में देखना है एक मिनट, और उसको काउंट करना है कि आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है। ठीक है, ये आप सबके लिए एक काम है, अभी जल्दी से आप लोग करके देखेंगे वीडियो देखने के बाद। अपने लेफ्ट ओर, अपने छाती के लेफ्ट ओर हाथ रखना है और एक मिनट में देखना है कि आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, लंग्स, द लंग्स आर इन पेयर, दे आर सिचुएटेड इन साइड अवर चेस्ट, दे हेल्प अस टू ब्रीथ। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो फेफड़े हैं, हमारा जो लंग्स है, वो भी हमारे छाती के अंदर ही होता है, और वो क्या करता है, हमें सांस लेने में मदद करता है। और ये जो लंग्स है वो जोड़े में होता है, यानी कि एक जोड़े में कितना होता है, दो होते हैं, तो ये जो हमारा लंग्स है वो दो होता है और उसके एक जोड़े होते हैं, और ये हमें सांस लेने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोमक, स्टोमक मतलब हमारा पेट, द स्टोमक इज़ इनसाइड आवर बेली, द फूड विच वी ईट गोज इन इट, द स्टोमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो स्टोमक है वो हमारे बेली के अंदर होता है, और वो क्या करता है, जो भी खाना उसके अंदर गया मतलब स्टोमक के पास, जितना भी खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे स्टोमक के पास जाता है, और स्टोमक के पास जब जाता है तो स्टोमक क्या करता है, उसको पचाने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो स्टोमक का क्या काम है, हम जो भी खाते हैं उसको पचाने का काम है स्टोमक का। अब आगे बढ़ते हैं, ऑल दिस ऑर्गन्स हेल्प अस टू स्टे अलाइव, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी एंड फिट, लेट अस सी व्हाट हरभजन एंड अलीशा डू टू स्टे हेल्दी, डू यू एग्री विद देम, डिस्कस इन द क्लास। अब ये क्या बोल रहा है कि जितने भी ऑर्गन्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, जैसे कि हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा, लंग्स के बारे में पढ़ा और स्टोमक के बारे में पढ़ा, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो अंग हैं, वो हमें स्टे अलाइव यानी कि हमें जिंदा रखने में हेल्प करते हैं, और हमें भी इसकी उतनी ही देखभाल करनी चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वह स्वस्थ रहे और एकदम फिट रहे। तो अब क्या बोल रहा है कि चलो देखते हैं कि हरभजन और अलीशा, एक लड़का है एक लड़की है, ये दोनों अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, और आपको भी वो चीज़ें करनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं वो दोनों क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई बाथ एवरी डे, आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। अब ये क्या बोल रहा है ये जो लड़का है हरभजन, कि मैं रोज नहाता हूँ और मैं अपने हाथ को अच्छी तरह से धोता हूँ खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद। तो ये एकदम ज़रूरी बात है, आप सबको भी इसको हमेशा करते रहना है, यानी कि आपको रोज नहाना है और खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोना है, और ये आपको हेल्दी रखने में भी मदद करेगा, ये आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। अब ये अलीशा क्या बोल रही है, आई कीप माई नेल्स क्लीन एंड क्लिप देम एवरी डे एवरी वीक। अब ये क्या बोल रहा है कि अलीशा बोल रही है कि मैं अपने नाखून को हमेशा साफ रखती हूँ और उसको हर एक हफ्ते काटती हूँ, यानी कि यहाँ पे ये बता रही है कि हमें अपने नाखून को हमेशा साफ रखने चाहिए। तो जब भी आपका नाखून बढ़ता है आपको हर एक सप्ताह में अपने नाखून को काटना चाहिए और उसको साफ रखना चाहिए, उसमें कोई भी गंदगी को नहीं घुसने देना है। अब आगे हरभजन क्या कर रहा है, आई प्ले रन एंड स्किप सच एक्टिविटीज़ कीप माई बॉडी फिट। अब ये बोल रहा है कि मैं खेलता हूँ, दौड़ता हूँ और स्किपिंग करता हूँ, यानी कि रस्सी को फांदता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो
सारी एक्टिविटीज़ है ये मेरे शरीर को फिट रखने में मदद करनी है करती है। तो आप सभी को भी खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, रस्सी कूदना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगी, फिट रखेंगी। और अलीसा क्या कह रही है, आई गेट टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे, आई स्लीप फॉर 8 hours इन द नाइट। अभी क्या बोल रही है कि मैं दिन भर ये सब चीज़ें करके थक जाती हूँ, तो मैं रात को अच्छे से 8 घंटे सोती हूँ। तो आप सभी को 8 घंटे सोना चाहिए। अब ये नहीं है कि अगर 8 घंटा कहा जा रहा है तो आप सोते रहे, बस 8 घंटा लास्ट लिमिट होता है। ये नहीं कि अगर आप सो रहे हैं रात को 10 बजे तो सुबह तक 9 बजे तक सोते रहना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको रात को जल्दी सो जाना है, 10 बजे तक कैसे भी सो जाना है, और सुबह 6 बजे के पहले उठ जाना है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आई वॉच टेलीविजन एट फिक्स टाइम, माई पेरेंट्स से दैट वॉचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्ग आवर्स इज बैड फॉर माई आईज। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये बोल रहा है कि मैं टेलीविज़न जो है फिक्स टाइम्स में देखता हूँ, यानी कि इसने एक रूटीन बनाया है कि इसको टीवी कब कब देखना है, क्योंकि जो टीवी है वो हमारे आँखों को हार्म करता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा देर टीवी देखेंगे तो आपका जो आँख है वो कमज़ोर हो जाएगा और आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। तो आप सभी को ये करना चाहिए, आपको टीवी दिन भर नहीं देखना चाहिए, आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए कि आपको कब कब दिन में टीवी देखना है। और ये नहीं कि बैठे रहते हो टीवी के सामने, देखते रहो, ऐसा करोगे तो तुमको जल्दी से चश्मा पहनना पड़ेगा। इसलिए हमेशा एक रूटीन रखो कि आपको कब टीवी देखना है, ताकि आपका जो शरीर है हेल्दी रहे और आपके जो आँख है उसको चश्मा ना पहनना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं, आई डू नॉट पिक माई नोज़, आई ऑलवेज यूज़ अ हैंडकरचीफ टू क्लीन इट। अब ये क्या बोला है कि मैं अपने नाक को हमेशा छूते नहीं रहता हूँ, मैं एक रुमाल रखता हूँ जिससे कि मैं अपने नाक को पोंछता हूँ। तो आप सभी को एक रुमाल रखना चाहिए कि अगर आपको छींक आए या फिर आपको सर्दी हो गया है तो आप जो है अपने हाथों से ना छुए नाक को, हैंडकरचीफ के थ्रू, हमारे रुमाल के थ्रू उसको छुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसमें तो आप हमें बता सकते हैं, अगर नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, अगर समझ में आ गया है तो आपको बताना है कि हमें समझ में आ गया, और अगर आपको कमेंट करने नहीं आ रहा है तो आप कॉल कर सकते हो, जो भी सर का नंबर है आपके पास उनको कॉल करके अपना क्वेश्चन बता दो, तो फिर वो क्वेश्चन मुझ तक पहुँच जाएगा और फिर मैं आपको बता दूँगी कि उसका आंसर क्या होगा, या फिर जो कुछ भी नहीं समझ में आया उसको मैं आपको समझा दूंगी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन अब इसके जो एक्सरसाइजेज है इसमें जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर वो मैं आपको दूंगी, और आपको कॉपी पे उसको उतार कर और अच्छे से उसका आंसर लिखना है, क्योंकि चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया आपको और आपको समझ में भी आ गया होगा, तो आपको सारे आंसर्स को लिखना है अपने कॉपी पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्विक बाइट्स दे रही हूँ, तो उसको पहले आपको कॉपी पे लिख के याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है और याद करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो घर पे एकदम सुरक्षित रहिए और हंसते खेलते रहिए। थैंक यू।
क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।